जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, भागवत गीता शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भागवत गीता तब तक पढ़ने एवं सुनने का कोई अभिप्राय नहीं है जब तक आपके भीतर श्रद्धा एवं विश्वास ना हो। अगर आप में ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास है तो आप भागवत गीता का उचित लाभ उठाने में सक्षम है। अतः श्रद्धा एवं विश्वास मनुष्य के भीतर होते हैं, परंतु एक पूर्ण गुरु के बिना इनका आभास होना असंभव है। इसलिए अगर आप पर गुरु की कृपा है तो आपको धर्म एवं धर्म के प्रति जानने, सुनने एवं समझने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आप स्वयं को जान सकते हैं। हम सब संसार में जितने भी भांति भांति के जीव दिखाई देते हैं वह सब आत्मा है एवं हम सब आत्मा स्वरूप है। अतः ये जीवन हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है स्वयं के भीतर से अपने स्वरूप को जानने का, एवं भागवत गीता इस जीवन रूपी इम्तिहान को उत्तीर्ण करने की एक अहम पुस्तक है। भागवत गीता के कुल 18 अध्याय है एवं ये संस्कृत में ईश्वर द्वारा हमें ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई है। अतः समय के साथ साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा के जीवन से निकल गई एवं ये ज्ञान मनुष्य से अत्यंत दूर चला गया। अतः समय समय पर भागवत गीता को सरल एवं साधारण शब्दों में अनुवाद किया गया। इसी उद्देश्य से आने वाले सिर्फ 10 मिनटों में भागवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण सार को अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आसान एवं सरल शब्दों में मैं अपने समस्त माताओं, बुजुर्गों एवं भाई बहनों के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। भागवत गीता का ज्ञान सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान शिव द्वारा महान संत सुखदेव मुनि को देवलोक में सुनाया गया था, जिसे पृथ्वी लोक में सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने श्री हरिद्वार में नील पर्वतों की तलहटी में बेहद दुर्गम घने जंगलों के बीच सिद्ध स्रोत नामक स्थान पर सुनाया था, जहां धरती पर सबसे पहले भागवत कथा का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ था और उसके बाद ये ज्ञान ईश्वर ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में पांडुपुत्र अर्जुन को कुछ 5000 वर्ष पूर्व सुनाया था। अतः ये वो वक्त था जब धर्म को बार बार क्षति पहुंची एवं धर्म का उल्लंघन हुआ और ईश्वर का डर मनुष्य के मन से निकल गया एवं लोभ के अधीन होकर भाई ने भाई को मारने का षड्यंत्र रचा। परंतु इतना भी नहीं, एक स्त्री को भरी सभा में महान मनुष्यों के बीच अपमानित किया गया। इससे पूर्व की मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में प्रवेश करती, इसलिए युद्ध भूमि में युद्ध से पूर्व ईश्वर ने भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण हेतु प्रदान की। ईश्वर द्वारा दी गई पुस्तकें जो किसी एक धर्म के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है एवं सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उनकी सृष्टि के बारे में, सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनमें आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होता है एवं रक्षा करनी होती है। अतः इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और आत्मा के उत्तीर्ण होने पर हमेशा हमेशा के लिए जन्म एवं मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। ईश्वर भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और मैं ही अंत तक रहूँगा, सब मुझ में है और मैं
सब में विद्यमान हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, स्वाद का अनुभव कर सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चंद्र सब मेरे द्वारा निर्मित है एवं मेरे द्वारा ही भगवान, देवता, शैतान, मनुष्य एवं समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। अतः मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में व्याप्त हूँ, अर्थात सब में मैं हूँ एवं मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सबका निर्माण करता हूँ, सब जीवों की उत्पत्ति करता हूँ एवं रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मैं सदैव सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि सभी आत्माओं को अवसर मिल सके इस जन्म एवं मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने का। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे बड़े इम्तिहान के लिए ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण करने हेतु 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी से किया है, जिन्हें हम सुगंध से, स्वाद से, दृष्टि से, स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं। परंतु ईश्वर अर्थात परमात्मा इन 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 प्राण एवं 10 इंद्रियों से परे है। इन्हें इन इंद्रियों से जानना असंभव है। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक मनुष्य द्वारा निर्मित लोहे का उपकरण जो बोलता हो, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट स्वरूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मी है, अर्थात आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। उसे कोई नहीं मार सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबो नहीं सकता, सृष्टि का कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता। परंतु आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए जीवन में परीक्षा रूपी जहाज में बैठना ही पड़ेगा। अतः इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ कर आत्मा को पृथ्वी या कभी भी कहीं भी जन्म लेना पड़ता है एवं 84 लाख योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का रूप एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है, सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस पूरे चक्र के दौरान तरह तरह की अच्छी एवं बुरी भावनाओं के चक्रों में अपने ही भाई बहन, रिश्तेदारों एवं मित्रों के बीच डाला जाता है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपने भीतर से तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश पाने का अवसर मिलता है। हमारे भीतर तामसिक गुण वो है जो हमारे भीतर हीन भावनाएं उत्पन्न करके हमें खुद को दुख एवं पीड़ा पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाकर दूसरों के प्रति हानि पहुंचा सकते हैं। अतः इस इम्तिहान के दौरान हर आत्मा को तामसिक एवं राजसिक अवगुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्माओं को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़कर रख सकते हैं एवं उन्हें प्रेम करना सिखाते हैं। इम्तिहान के दौरान प्रत्येक आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुभव होने के पश्चात ही मुक्ति मिलती है। अतः यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। अतः धर्म वही है जो धारण किया हुआ है।
जिस प्रकार आपका दिल मानता है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, भगवान का अनादर नहीं करना है एवं दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, बस यही धर्म है एवं प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा एवं रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है और आत्मा हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जीवन काल में भोगने वाली वस्तुएं एवं रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर बुनियादी रिश्तों पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगी। तीसरा द्वार काम का है, अतः भागवत गीता समझाती है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार जैसी 5 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति हानि पहुंचा सकती है। इसलिए इन भावनाओं को प्रत्येक मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी कार्य हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष एवं सादगीपूर्ण इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य अपनी कुछ इच्छाएं रखता है, अतः कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूर्ण हो जाती है और कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। भागवत के अनुसार हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर अर्थात मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेने का। अतः अगर हमारी कोई भी इच्छा शेष ना रहे तो हम जीवन एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात ये द्वार क्षमा का भी है। जिन्होंने आपको माफ़ किया या आपने किसी को माफ़ किया उनसे माफ़ी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। अतः जब तक आत्मा इन 4 द्वारों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। परंतु परीक्षा का समय पूर्ण होते ही आत्मा शरीर के साथ अन्य वस्तुओं का भी त्याग कर देती है। जो भी संसार में आज हमारे पास है वो कल किसी और का होगा और आत्मा अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए चली जाती है, क्योंकि आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग एवं दुष्कर्मों के लिए कुछ समय नरक में बिताती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है और सजा पूर्ण होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर मिल जाता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। अतः हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए प्रत्येक जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से आत्माओं को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। परंतु जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक मुक्ति नहीं पा सकती। भागवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भी भगवान को पा सकता है। अतः शरीर द्वारा परमात्मा को पाने को कर्म योग कहा जाता है, अर्थात ऐसे कार्य जो परमात्मा की इच्छा से हो एवं दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर एवं श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के सेवा जैसे कर्म करके परमात्मा को पाया। भागवत गीता समझाती है कि आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ जुड़ सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है
अतः मनुष्य अपने विश्वास एवं आस्था के साथ श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना एवं तपस्या से परमात्मा को इस योग से पा सकता है। अतः इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा, अपने चक्र एवं कुंडलिनी शक्ति को समझना पड़ेगा। आत्मा ध्यान के द्वारा परमात्मा से जुड़ सकती है। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि यदि किसी आत्मा को धर्म समझ में आए या ना आए, योग समझ में आए या ना आए, परंतु अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सभी पाप माफ कर देता हूँ। अतः परमात्मा को अपने मन की गहराई से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भक्त हनुमान भक्ति योग के सबसे बड़े उदाहरण है। परंतु कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप का रास्ता अपना ले तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस तरह ईश्वर की अनुकंपा एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको भागवत गीता का महात्म्य बताया, इसलिए आपको अच्छा लगे तो ये ज्ञान सबको साझा करें, सबको शेयर करें, ताकि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सभी इस परमात्मा के प्रसाद रूपी ज्ञान को पा सके और अपने कल्याण हेतु जीवन में अच्छे कर्म करें। धन्यवाद।